इधर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पीएम मोदी के सीकर दौरे को लेकर सीएमआर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। सीएम गहलोत ने मीडिया से कहा कि पीएम मोदी राजस्थान आए उससे कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन राज्य सरकारों से केंद्र का ऐसा बर्ताव ठीक नहीं है। आगे चीफ मिनिस्टर की स्पीच जो है उसको आप अगर योजना बना करके जैसे योजना निकाल करके किन कारणों से उनको इनकार किया गया, ये बहुत दुख की बात है। और मैं क्या कहता हूँ, उनको ज्यादा स्वागत करता हूँ उनका। जिनको जो मैंने ट्वीट में लिखी बात है वो बोल देता मानो कि वो सिकड़े जा रहे हैं, अग्नि भी हो या योजना हो गई उनको काम करता। और ज्यादा ज्यादा मांग करता कि राजस्थान एकमात्र राज्य बन रहा देश के अंदर जहाँ पर सभी जिलों में हमारे नजर कॉलेज खुल रहे हैं। ये यूपी गवर्नमेंट से जो पहले संगीन हुए थे सात आठ मेडिकल कॉलेज उनके कंटिन्यू में प्रोग्राम चल रहा है। और मैं मांग ये करता कि तीन जिले दर्गे राजसमन प्रतापगढ़ जाओ उसको भी आप प्रधानमंत्री जी ने भी जो है पूरा जो भाषण दिया वो पूरे प्रदेश को और देश को बता दिया, राजस्थान बताने की कोशिश करी। अरे कुछ कोई सफल नहीं हो पाएगी क्योंकि मैं जानता हूँ राजस्थान में जो गवर्नेंस चली है हमारी चलो पाँच करोड़ आए हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर जो बनाया है आपका, शिक्षा में काम हुआ है, स्वास्थ्य सेवा में काम हुआ है, वो बेमिसाल है।